जय माता दी दोस्तों, देसी टोटके में आपका स्वागत है। हम आज आपको बताएंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योगों के बारे में, जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर बनते हैं। कुछ ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण योग और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन जिनका आपको पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए। आप कोई भी उपाय इन योग और इन महत्वपूर्ण दिनों में करते हैं तो इससे जो मिलने वाला फल है आपको कई गुना बढ़ जाता है। सही समय पर किया हुआ उपाय बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इन महत्वपूर्ण दिन और महत्वपूर्ण योग के बारे में ठीक से समझना है और उपाय को करना है, जिससे आपके जीवन में आ रही परेशानियों से आप लाभ प्राप्त कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन योगों के बारे में जानने के लिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखें और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे उनके जीवन में आ रही परेशानियों में वह भी लाभ प्राप्त कर सकें। हमारे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम आपको बताते रहते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और महत्वपूर्ण योग और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, जिन्हें आप सीख कर अपने जीवन में आ रही परेशानियों में सफलता पा सकते हैं। सब्सक्राइब आप नियमित अपडेट्स के लिए तुरंत कर लें। कई बार जीवन में इतनी परेशानियां और इतने दुख आ जाते हैं कि आप कुछ भी कार्य करते हैं उसमें निराशा ही हाथ लगती है। कोई भी उपाय करते हैं वह देरी से असर दिखाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये महत्वपूर्ण दिन का खास ध्यान रखना है। इस बार 10 दिसंबर 2016 को कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है। शनिवार को मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्ष एकादशी कहते हैं, इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता एकादशी भी कहा जाता है। साथ ही शनिवार को एकादशी होने से इस दिन विशेष योग बन रहा है और यह एकादशी बहुत ही फलदायक योग बना रही है। ऐसे में इस दिन किए गए उपाय किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं, किसी का भी दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अवश्य ही करें यह उपाय और लाभ प्राप्त करें। यूं तो यह उपाय आप किसी भी महत्वपूर्ण दिन जैसे एकादशी, त्रयोदशी, हनुमान जयंती, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दीपावली, होली, ऐसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिनों पर भी कर सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं जिन्हें आप 10 दिसंबर को अवश्य करें। मोक्ष एकादशी, गीता एकादशी 10 दिसंबर को है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। इस दिन सुबह ही उठकर नहा धोकर अपने नजदीकी कृष्ण मंदिर में जाएं तथा राधा कृष्ण की प्रतिमा को पीले रंग के फूलों की माला भेंट करें। राधा कृष्ण का नाम जपें। इस उपाय से आपकी जितने भी पैसे से संबंधी सभी समस्याएं जो हैं वह समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जितना यह उपाय आसान है उतना ही असरदार और लाभदायक भी है। आप महत्वपूर्ण दिन पर यह उपाय करेंगे तो बहुत ही फायदा आपको प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, कई बार घर में लड़ाई झगड़े चलते हैं, सभी के घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, कई बार बिना वजह भी लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो यह कलेश समाप्त करने के लिए आपको करना यह है कि इस दिन गुलाब जल तथा केसर मिलाकर भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। इससे यह बहुत ही लाभदायक उपाय है, इससे तुरंत ही आप आजमा के देखें, तुरंत ही कलेश समाप्त हो जाता है। यूं तो यह बताए गए उपाय आप किसी भी एकादशी को करें और आजमा कर देखें यह उपाय
किस प्रकार आपके जीवन को बदल कर रख देते हैं, किस प्रकार आपको यह जीवन में आ रही समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा उपाय, इस दिन घर पर खीर बनाएं। इस खीर में तुलसी के पत्ते डालकर कृष्ण भगवान को भोग लगाएं। तुलसी के 5 पत्ते आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कृष्ण भगवान को भोग लगाएं इस खीर का। इसी तरह एक अन्य कटोरी में खीर निकालें, उसे बिना तुलसी के पत्ते डाले खीर से माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। साक्षात लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है इस उपाय से। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही अचूक उपाय है, आप अवश्य कर सकते हैं। चौथा उपाय, कई बार जीवन में इतने कष्ट आ जाते हैं, जाने अनजाने में कुछ बहुत ही ऐसे कष्ट आ जाते हैं जिनसे छुटकारा लेना असंभव सा प्रतीत हो जाता है। यह कष्ट बिना बताए, बिना किसी वजह के आ जाते हैं, तो आप समस्त कष्टों के निवारण हेतु इस दिन भगवान कृष्ण को पीले रंग की मिठाई, फल, वस्त्र आदि भेंट करें। भेंट की गई वस्तुएं जरूरतमंदों को बांट दें। ध्यान रहे, यह भेंट की गई वस्तुएं आपको जरूरतमंदों को बांटनी है। इससे जो जीवन में आपके कष्ट आ रहे हैं तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। जी दोस्तों, अवश्य करें, नियम बना लें, प्रत्येक एकादशी को आप यह उपाय करें, बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। पांचवा उपाय, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है या आपकी जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आप अपने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आप इस एकादशी पर 10 दिसंबर गीता जयंती से आरंभ कर अगले 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को अपने घर बुलाकर खीर खिलाएं। इससे तुरंत ही लाभ होता है। आपके जो जीवन में जुड़ी हुई जो परेशानी है, जॉब में जुड़ी हुई परेशानी है, बिजनेस में जुड़ी हुई परेशानी है, आपकी जॉब नहीं लग रही है या आप बिजनेस में आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो वह अवश्य ही बहुत जल्दी बढ़ जाती है, अचानक से लाभ बढ़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अवश्य करें। छठा उपाय, अगर आपके ऊपर कर्ज है या फिर आपके पास पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, यह भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है जिससे काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, पता नहीं कैसे किसी भी वजह से समाप्त हो जाता है। तो अगर आपके ऊपर कर्ज है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको भगवान कृष्ण को 1 पान का पत्ता भेंट करना है। साफ सुथरा पान का पत्ता, कहीं से भी कटा हुआ या फटा हुआ ना हो, साफ सुथरा बिल्कुल भेंट करें कृष्ण भगवान को। इस पत्ते पर रोली से श्रीम लिखकर अगले दिन यानी एकादशी से जो अगला दिन है, इसे अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके जो जीवन में जो कर्ज है आपके ऊपर, जो पैसा रुक नहीं रहा है, उसमें बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। बहुत ही अचूक उपाय है। सातवां उपाय, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, मनोकामना है जिसे आप पूर्ति कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ति हो, तो आप इस दिन एकादशी पर आरंभ करें यह उपाय। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए गीता एकादशी गीता जयंती से आरंभ कर अगले दिन अगले 21 दिनों तक रोजाना कृष्ण मंदिर में नारियल तथा बादाम भेंट करें। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। एकादशी से शुरू करना है, इसी एकादशी से गीता
एकादशी गीता जयंती से आप आरंभ करें। 21 दिन तक लगातार आपको कृष्ण मंदिर में नारियल तथा बादाम भेंट करने हैं। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह इतना अचूक उपाय है कि आप अपने जीवन में इस उपाय को करेंगे तो आप देखें चमत्कार और बदलाव आपके जीवन में कैसे आता है। आठवां उपाय, इस दिन केले के दो पेड़ लगाएं। इन पेड़ों पर लगने वाले केले स्वयं ना खाएं, दान करें। इससे घर में पीढ़ियों के लिए अखंड लक्ष्मी का वास हो जाता है। यूं तो आप किसी भी एकादशी पर लगा सकते हैं केले के दो पेड़, लेकिन गीता एकादशी पर आप लगाएं, क्योंकि इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है। तो केले के पेड़ लगाएं दो पेड़, और इन केलों को फिर आपको दान करना है। अखंड लक्ष्मी का वास होता है, अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। नौवां उपाय, घर में किसी भी तरह की प्रेत बाधा या भूत बाधा हो तो गीता एकादशी के दिन घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करवाएं, तथा श्रीमद् भागवत गीता के ही 18वें पाठ का हवन करवाएं। इससे समस्त प्रकार के प्रेत बाधाएं तथा नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। दसवां उपाय, यह तो आप नियम बना लें, शाम को तुलसी के पौधे के नजदीक दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली और असाधारण सा उपाय है, जिससे आप चमत्कार देखेंगे। नियम बना लें इस चीज का, गीता एकादशी से शुरू करें, तुलसी के पौधे के नजदीक दीपक जलाएं। जितने भी जो आपके जीवन में कष्ट हैं, या जो आने वाले कष्ट हैं, या जो पिछले कष्ट हैं जो अभी आपको परेशान कर रहे हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैंने बताए थे आपको कुछ 10 ऐसे उपाय जिन्हें आप अपने जीवन में अवश्य करें और महसूस करें बदलाव, चमत्कार महसूस करें, देखें आपके कष्टों का निवारण कैसे शीघ्र हो जाता है। आप इनमें से कोई भी एक उपाय चुन सकते हैं और नियमित उसको अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, सुख समृद्धि प्राप्त हो। इन उपायों को करने से जो आपके गुड कर्माज हैं वह इतने गुना बढ़ जाते हैं, जिनका आपको लाभ अवश्य ही मिलना है, अवश्य ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, हमारा वीडियो लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे वह भी लाभ प्राप्त कर सकें, और हमारा चैनल भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नियमित अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।